साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जब से कल से जैसे विज्ञप्ति आई है, हालांकि अपने हाथों हाथ ही लाइव आके सब कुछ चीजें बता दी थी, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो अब भगदड़ का शिकार हुए हैं। मैंने पहले भी आपको बहुत चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहा था कि शांति काल में तैयारी करो, शांति काल में जितनी तैयारी कर रहे हो आपके बहुत काम आने वाली है। आपके बिल्कुल यदि किसी भवन की बात करें तो जो नींव भरने का काम होता है वो शांति काल में होता है, वही चीज आपको कही थी और चीख चीख के हर बार कहा है कि अब जग जाओ अब कर लो तैयारी, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो आपके सामने बहुत सारी चिंताएं होगी। बाबा आपको सिलेबस भीमकाय दिखेगा, सब कुछ होगा कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर हो, क्या पढ़े क्या छोड़े, कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, कौन सी पुस्तक चुने कौन सी पुस्तक को छोड़े, किस में अच्छी है। कोई यहाँ पे यूट्यूब पे पूछता है, कोई फेसबुक पर पूछता है, कोई कैसे पूछता है, सभी जगह अभी यही प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो शांति काल में पढ़ रहे थे, जिनको ट्रैक मिला हुआ था, वो बिल्कुल अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। अब देखो 12 से 13 लाख फॉर्म आने हैं, तो सभी 12 लाख का सिलेक्शन होना नहीं है, ये कटु सत्य है। ठीक, आपको उन 9,000 में आना है जो चयनित होंगे, और उसके लिए बहुत संयमित और नियमित होने की आवश्यकता होती है। साथियों यदि बात की जाए, सीधा मुद्दे पर आऊंगा कि एग्जाम कब तक होगा, यदि ये पूछते हो आप, और काफी सारों ने ये पूछा था कि हम कैसे इसको ध्यान में रखकर पढ़ें कि एग्जाम कब तक होगा ये बता दीजिए हमें लगभग अंदाजा। तो मैंने कल वैसे लाइव के अंदर बताया भी था ये चीज, लेकिन फिर भी चलो आप लोगों की मांग थी तो बता देता हूं ताकि आपकी तैयारी। अब एक बात इस वीडियो को देखते ही बाद में ये चीज क्लियर कर देना कि अब पूछने में समय व्यर्थ नहीं करना है। आप जब तक पूछोगे तब तक कोई दो चैप्टर और पढ़ लेगा, आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो अब कहीं भी कुछ भी पूछने में नहीं करना है, एक बार मानस बना लो फाइनल डिसीजन कि अब मुझे ये करना ही है। यदि अब से भी लगोगे, विश्वास मानिए आप संयमित और नियमित होकर और समर्पित होकर पढ़ते हो, आपसे आपकी सफलता को छीनने वाला कोई मायका लाल नहीं है जो आपको रोक सके। ठीक है, ये मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। मैं कह दूंगा, फलान जी कह दे या ढिकन जी कह दे, कोई दूजा तीजा और कह दे कि ये करो वो करो, जोश जुनून भरने की बातें, लेकिन आखिर में जब आपके अंदर का मोटिवेशन होगा वो ही आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, बाकी बाहरी मोटिवेशन कोई प्रेरित करने वाले नहीं है। बात इसकी भी करेंगे साथियों कि प्रथम प्रश्न पत्र जो सभी के कॉमन है वो कहाँ से कैसे करना है, क्लासेस की बात करूंगा, कोचिंग की बात करूंगा, सभी बात करूंगा। ठीक है, और जो बेस्ट ऑप्शन है वो बता दूंगा, बाकी आपके ऊपर निर्णय है, ईमानदारी से बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम कब तक, सबसे पहले बात की जाए तो साथियों आपको पता है कि आपका जो फॉर्म है वो 10 मई तक भरे जाने हैं। ठीक है, 10 मई तक आपके फॉर्म भरे जाने, 11 अप्रैल से शुरू होकर 10 मई तक भरे जाने। अब 10 मई तक तो फॉर्म ही आएंगे, मान लीजिए कोई ऐसे इफ एंड बट हो गया, 5-7 दिन और बढ़ा दिए फॉर्म भरने के कोई किसी समस्या के चलते, तो 10 से 15 तारीख तक जा सकते हैं फॉर्म भरने की डेट, मई मई के अंदर। ठीक है, अब मई के अंदर गया, मान लीजिए एग्जाम के फॉर्म की लास्ट डेट हो गई, उसके बाद के भी 45 दिन अपन मान के चले, तो मई पूरा गया, जून भी गया, और जुलाई जुलाई लगभग आपको और तैयारी का मौका यहां से सरकार देगी। मुझे जहां तक लगता है वो आपका एग्जाम अगस्त या सितंबर। अब कई इसमें क्या होगा, इसमें पता है सब अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं। ठीक है, अब कई जने जिनकी तैयारी नहीं है ना, वो कहेंगे अगस्त सितंबर कोई होने वाला नहीं है, एक उनमें एन के ध्यान पड़ा है ये क्या है। लेकिन ये जो है जो बता रहे हैं वो लंबे समय से इससे जुड़े हैं और पूरी तरीके से जुड़े रहते हैं, सभी विद्यार्थी इनसे जुड़े हैं, उन सभी से देखते हैं, वो सब उनके आधार पर पता है, हवा में कोई तीर मारने वाला नहीं है। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, चाहे आप और किसी को मानते हो वो भी बता रहे थे, वो भी किसी न किसी विश्लेषण के बाद, लेकिन अपन कमेंट करते हैं ना उसमें कोई विश्लेषण नहीं है, डायरेक्ट बस अपने को पसंद नहीं आया कि अगस्त सितंबर में मेरी तैयारी नहीं होगी, और अगस्त सितंबर तक, तो अगस्त सितंबर में नहीं हो सकता, और फिर बाद में वही लोग क्या करेंगे, वही लोग आंदोलन, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। अरे आगे क्यों बढ़ाए, 1 साल 2 साल से जब आपको कह रहे थे आपके तैयारी आपने नहीं की, जो नियमित पढ़ रहे थे उनकी क्या गलती है, इतने समय से जब भोग दे रहे हैं, क्या बार बार वो यही करेंगे, वो पढ़ते ही रहेंगे, सब काम धंधे छोड़कर सिर्फ किताबें लेकर बैठेंगे। हम उनके लिए स्वर्णिम अवसर है, जो नियमित है संयमित है समर्पित है उनके लिए बहुत बढ़िया अवसर है। अब ये मान के चले आप, मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए डेट वो लगभग लगभग यदि देखा जाए तो अगस्त सितंबर लगता है मुझे, लेकिन फिर भी साथियों देखा जाए तो सितंबर तो आप मान के चले कि एग्जाम आपके इसमें होना है, और सितंबर में कई एग्जाम होते हैं, वैसे कोई अड़चन इसमें आती नहीं है। तो यदि व्यवस्थित रूप से भी देखें, सरकार भर्ती को पूरी करवाने के पूरे मूड में है, अब सारी भर्तियां पूरी होगी, रीट भी होगी, ये आपके सेकेंड ग्रेड भी होगी,
आपकी फर्स्ट ग्रेड भी होगी, आपकी बहुत सारे वीडियो की भी होगी, बहुत सारी भर्तियां कंप्यूटर अनुदेशक भी होगी, सारी होगी, ठीक है ना। और ये मान के चले आप डेट वेट आगे बढ़ने वाली नहीं है, यदि अभी भी नहीं जगे ना, तो आंदोलन डेट बढ़ाने के आंदोलन में सबसे पहला नंबर आपका ही होगा, आप ही होंगे वहां। कभी फेसबुक टटोलोगे, कभी व्हाट्सएप टटोलोगे, कभी कोचिंग के शिक्षकों को गालियां दोगे कि हमारा साथ नहीं देते, हमारा साथ नहीं देते। और साथ आपका शिक्षक पढ़ने में दे सकता है, आपकी अनुचित मांगों में नहीं दे सकता। चाहे मेरे ये शब्द किसी को पीड़ा पहुंचा सकते हैं, लेकिन कटु है लेकिन सत्य है। पीड़ा पहुंचाए तो कोई नहीं है, पीड़ा पहुंचाए तो दो गालियां ज्यादा देकर पढ़ने बैठ जाना, आपका जीवन सवर जाएगा, ठीक है। मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैंने हमेशा से पढ़ने के लिए ही प्रेरित किया है। और जो विद्यार्थियों के हित में अच्छा था, किसी भी मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित न होते हुए व्यवस्थित रूप से सीधी सीधी चट बात बताइए, ठीक है ना। इसीलिए विद्यार्थी जुड़े हैं और विद्यार्थी इसीलिए ये सब रखते हैं भावनाएं ऐसी। तो साथियों, जो नियमित है और जो नियमित नहीं है वो भी याद रख के करना कि सितंबर, फिर भी आप मान के चले अगस्त तक, यानी कि ये माने आप कि हमेशा, मैं ये कहता हूं कि तैयारी ये सोच के करनी चाहिए कि मुझे कल एग्जाम देने जाना है, कल मेरा एग्जाम है, ये सोच के तैयारी करो। कई जने पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़ना है, ये बिल्कुल बेवकूफी वाला सवाल है। कितने घंटे पढ़ना है ये आप निर्धारित नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि आपका ये सिलेबस है वो कितने समय में कवर हो जाएगा कि आप दो बार रिवीजन आराम से कर सकें। कई जने बोलते हैं सर पुस्तकें, एनसीईआरटी, आरबीएसई ये वगैरह। देखो, एनसीईआरटी आरबीएसई पुस्तकें बिल्कुल पढ़नी चाहिए, लेकिन अब आप समय देखते हुए निर्णय लेना, ठीक है। सभी सजेस्ट करेंगे, आप सभी कहेंगे आरबीएसई की, एनसीईआरटी की सभी पुस्तकें पढ़ो, लेकिन आप देखोगे तो स्कूली पुस्तकें भी लोगे तो इतना बड़ा आपके ढगला लग जाएगा, ठीक है। अब उनमें से तथ्य छांटने हैं, नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, वो सब कुछ चीजें। तो यहाँ पे एक सिलेक्शन के लिए आप उस पुस्तक का चयन करें जो मतलब आपकी कम से भी कम 2 से 3 बार आप उसे रिवीजन अच्छे से कर सके, ठीक है। तो मतलब उसको देखें आपकी वो मतलब ग्रंथ नुमा नहीं होनी चाहिए कि भाई आप दे रहे तो एग्जाम हो सेकंड ग्रेड का और वो आरएस मेंस की किताब आपको पकड़ा दी, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए पुस्तकों का चयन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ मेरी किताबें पढ़े, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप, मैंने वन लाइनर लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरा ही कहूंगा। आप वहां जाकर देखें, उसमें मेहनत आपको नजर आती है, तब आपको वो लेनी है, मेरे कहने से नहीं लेनी है। मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, चाहे टेस्ट सीरीज की बात हो, चाहे क्लासेस की बात हो, चाहे पुस्तक की बात हो, मैं विद्यार्थी हित के लिए कार्य कर रहा हूँ, ये सब बात जग जाहिर है। इसीलिए लोग रोकने का भी प्रयास करते हैं, आए दिन धमकियां मिलती हैं, आए दिन रोकने के प्रयास के लिए मतलब हतोत्साहित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं मेरे साथ। तो ये क्लासेस जो निःशुल्क चल रही है अपनी, वो भी ऐसे ही चलेगी और सब ऐसे ही होना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साथियों एक बात जरूर ध्यान रखना कि आपको बहुत सेलेक्टिव सामग्री को चयन करते हुए आगे बढ़ना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होता है, ऑथेंटिक बुक पढ़ने का भी एक समय होता है, विद्वान बनने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अंदर से नोट्स बना दिया जाए तो वो बढ़िया है, लेकिन आप नोट्स बनाने की कंडीशन है नहीं। तो मैं यहां पर सीधा सेट आपको कहूंगा कि अब आपको व्यवस्थित सामग्री चयन करने की आवश्यकता है, ठीक है। मैं कोई भारी भरकम ग्रंथ वगैरह आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सिलेक्शन गाइड से भी हो सकता है, न सिर्फ इसलिए कि मैं लेखन कार्य करता हूं या मैं इसमें हूं, इसलिए नहीं। मैंने देखे हैं जीते जागते अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, वे व्यक्ति जो गाइड मतलब गाइड न पढ़कर सिर्फ पुस्तकें एक एक जैसे कोई सब्जेक्ट के 3-4 सजेस्ट कर देते और वो खुद अपने सिलेक्शन का आधार गाइड को बनाते हैं, ऐसे भी है। और ऐसा नहीं है, गाइड भी ऑथेंटिक पुस्तकों में से देखकर लिखी जाती है, व्यवस्थित संकलित। तो ये भ्रम बिल्कुल निकाल देना कि गाइड पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। पढ़ना कितना है, कैसे पढ़ना है, याद कितना रखते हो उसमें से। यदि एक गाइड, कोई भी एक गाइड भी आप शिद्दत से पढ़ लेते हो तो उसमें से भी 85% सवाल कवर होते हैं। आपको याद कितना रहा, आपने पढ़ा कितना है, आपने किस तरीके से पढ़ा है, आपका समर्पण कितना था, ये मायने रखता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि गाइड सिलेक्शन नहीं करवाती। यदि गलतियों की बात करें तो गलतियां ऑथेंटिक पुस्तकों में भी आती है, गलतियां मैं आपको आरबीएससी की पुस्तक में, एनसीईआरटी की पुस्तक में, सभी में बता सकता हूं, यहां तक कि यूनिवर्सिटी की पुस्तक में और माने हुए दिग्गज राइटर्स की पुस्तक में भी आ जाती है। वो गलतियां इसलिए होती है, टाइपिंग एरर हो जाते हैं, बाकी कोई अन्य कारण भी होते हैं, वो हो जाती है। तो वहां पे जहां बात करें गलतियों की, तो सब में, किसी में कम किसी में ज्यादा, सभी में आती है। तो यहाँ पे आपको एक लेवल डेवलप हो जाता है जिसमें आपको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप उसको समझ पाते हैं, देख पाते हैं। साथियों बात करें, अब मान लीजिए आपके पास में समय कितना है, ठीक है, कितना समय है तैयारी करने के लिए। समय की साथियों बात करें तो आप देख लो,
अप्रैल तो आपका सोचने विचारने में और बिल्कुल नियमितता बनाने में ही चला जाएगा, ये मान के चले आप 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक आपके निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपके पास बचा मई जून जुलाई और अगस्त भी मान सकते हैं, यानी कि कम से भी कम आपके पास में 3 से 4 महीने है। कितने महीने? 3 से 4। अब आपको जो रणनीति बनानी है वो ये सोचकर बनानी है कि हमारे पास में 3 से 4 महीने हैं, इस 3 से 4 महीने में हमें फर्स्ट पेपर भी कवर करना है और हमें सेकंड पेपर भी कवर करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कैसी स्ट्रेटेजी बनाएं, हम कैसे टाइम टेबल को मैनेज करें, हम कैसे सिटिंग पावर बढ़ाएं। अब ये मत सोचना कि 12 घंटे बैठ जाऊंगा पागल हो जाऊंगा, पागल कोई नहीं होते हैं, सिलेक्शन के लिए पागलपन की हद तक जाना पड़ता है, ये ध्यान रखना। और जो हंसी खुशी में मस्ती में ही बस रहते हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात पक्की है। मुझे भी कई लोगों ने कहा था कि ये पागल हो जाएगा, हुआ तो नहीं, ठीक है। सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे था, टॉपर्स की सूची में नाम कब आया? जब पागलपन की हद तक पुस्तकों से प्यार किया, ठीक है। तो ये पागलपन की हद आपको आपके लक्ष्य तक जरूर ले जाएगी, ठीक है। लेकिन किसी की नकारात्मक बातों में मत आना, ये नकारात्मकता बिल्कुल पीछे छोड़कर आगे बढ़े। ऐसे ही ये नकारात्मक लोग नकारात्मक बातें करते रहेंगे, रोकने की आपको हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, ठीक। अब बात करें साथियों यदि कि 40% देखो, फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर दोनों के अंदर 40% अनिवार्यता है, दोनों में 40% लाने ही लाने हैं, तो 40% मिनिमम है, ठीक है ना। 40% पे ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर क्लियर कर दिया और सेकंड पे मेरिट बनेगी, ये नहीं। कई विद्यार्थियों की ये भी मैसेज आए थे, आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो आपको अभी बहुत मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है, बहुत समय लगेगा, ठीक। ये है मिनिमम, इतने तो लाने ही लाने हैं। एक तरीके से मान लीजिए इतने लाओगे तो आप पात्र हो, फिर सिलेक्शन आपका कट ऑफ के आधार पर होगा, जितनी कट ऑफ जाती है उसके आधार पर सिलेक्शन होना है। इससे नीचे है आप सीधे बाहर हो, चाहे किसी एक पेपर में भी आपके इससे नीचे है आप सीधे बाहर हो। आपका जीके में मान लीजिए कम है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन जीके के अंदर आपके 40 से 39 भी रह गए, आप सीधे सर बाहर हो। 5% जो कैटेगरी में रिजर्वेशन दे रखा है वो देख लेना, ठीक है साथियों। अब इसके अलावा साथियों बात की जाए कि कुछ विद्यार्थी जो कह रहे थे कि सर क्लासेस वगैरह जो भी, तो साथियों मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। पिछले नवरात्रि यानी लगभग सितंबर की बात है, सितंबर से अपने क्लासेस शुरू कर दी थी बिल्कुल निशुल्क। क्लासेस के लिए गौरव ज्ञान धारा चैनल पर आपसे आज दिन तक न शुल्क मांगा गया है और न भविष्य में शुल्क मांगा जाएगा। और ये भी आपको पता है कि नियमित इस तरीके से, ये मैं कह सकता हूं बिल्कुल कि जिस तरीके से अपने क्लासेस यहाँ पे आई है उस तरीके से YouTube पर कहीं भी क्रम से इतनी 110 क्लासेस मैंने फर्स्ट पेपर की अभी तक डाल दी है, यानी कि लगभग आपके राजस्थान जीके पूरा ही कवर होने वाला है, ठीक है। अब 2-4 क्लासेस राजस्थान जीके की रही है, उसके बाद में इंडिया और वर्ल्ड को शुरू कर देंगे और अब स्पीड बहुत तगड़ी अपन रखने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें साथ में जो बढ़िया स्पीड मेंटेन करके नहीं रह पाएगा वो धीरे धीरे विकेट गिरते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब कई विद्यार्थी पूछते हैं सर क्लासेस कब से शुरू कर रहे हो, जैसे कल कम्युनिटी पर डाला तो कब से शुरू हो रही, अब कब से शुरू नहीं हो रही, शुरू हुए को 6 महीने हो गए और बढ़िया तरीके से बड़े इत्मीनान से क्लासेस अपने दी है यहाँ पे और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे बड़ी लड़कों के 2-2, 3-3 रजिस्टर भर गए इस क्लासेस का। और इस क्लासेस का मेरे मुंह से आप ज्यादा ना सुने, आप मतलब विद्यार्थियों के कमेंट पढ़े, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया। हजारों विद्यार्थियों को तो मैं नहीं कह सकता कि मेरे फेवर में लिखो, लेकिन विद्यार्थी जब कुछ उनको मिलता है, साइंस के काफी सारे विद्यार्थी जिनका जीके से डर था, फोबिया था, उनका डर टूट गया और उन्हें जीके याद हो गया। ये दुआएं हैं जो हमें किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं पड़ती इसके लिए, ठीक। अब मैं बताऊं आपको कि क्लासेस सर कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। क्लासेस के लिए क्या करना है आपको, सीधे सीधे मैं बताऊं, सीधा जैसे यूट्यूब पर जाते हो, यूट्यूब है ऐप पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है और वो भी मात्र लागत मूल्य में। और इतना मैं इसमें भी दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके के प्रश्न, क्योंकि उसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है, और जिस तरीके के प्रश्न और उन प्रश्नों को मतलब प्रश्नों की संख्या और वो सब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, एक एक टॉपिक को मतलब देखा जाए तो पूरी संपूर्ण तैयारी हो जाती है। वो टेस्ट सीरीज ऐसी भी और लागत मूल्य मात्र 51 रुपए के अंदर लागत मूल्य में करवाई, पूरा सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज को 51 रुपए में आपको देता है क्या। तो हमने यहाँ पे प्रयास किए हैं क्योंकि विद्यार्थी चाहते थे। तो यहाँ पे क्या करना है साथियों आपको, ये देखो आप जो देख रहे हो अपनी, ये 5 महीने पहले की पहली क्लास है, ये पहली क्लास का ही है, 5 महीने पहले की पहली क्लास है, 475 के यानी कि लगभग 5 लाख विद्यार्थी इसे देख चुके हैं।
तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि नियमित विद्यार्थी कितने बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो 5 महीने पहले अपना बैच शुरू हो चुका है, पहले ही हमने पूर्वानुमान लगाकर पूर्व तैयारी के साथ में शुरू कर दिया था और अब बहुत बढ़िया कंडीशन में वे विद्यार्थी है जो नियमित जुड़े हैं। आपको क्या करना है, जो नए विद्यार्थी वो ध्यान दें, पुराने वालों को तो पता है सभी को, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। YouTube जब खोलते हैं, YouTube पे जाकर आपको एक चीज सर्च करनी है, सिर्फ क्या सर्च करनी है, गौरव ज्ञान धारा। देखो यहां लिखते ही आ रहा है गौरव ज्ञान धारा। गौरव ज्ञान धारा सर्च करते ही आपको अब क्लासेस कहां मिलेगी, कई सारे विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है, सर क्लासेस कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, सर आपने क्लासेस हटा दी क्या, अंदर नहीं दिख रही है कहीं भी। एक बार क्लासेस डालने के बाद में मैं हटाता नहीं हूं, जन्म जन्मांतर तक पड़ी रहेगी, ठीक है, आप देख सकते हो। अब क्लासेस कहां मिलेगी, गौरव ज्ञान धारा सर्च कर लिया आपने, उसके बाद में आपको जाना है चैनल को, अंदर जाना है, ठीक है, खोलना है उसको। उसके बाद में जैसे चैनल आपके मोबाइल में, हालांकि थोड़ा अलग दिख सकता है, ये पूरा इस सिस्टम पे अलग दिख रहा है, अब इसको खोल दिया। अब आपको वहां पे देखना है कि प्लेलिस्ट कहां लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट कहां लिखा हुआ है वो देखना है। अब देखेंगे आप यहां पे प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट पर जाना है, तब आप व्यवस्थित आपको क्लासेस देखो मिलेगी, कोई शुल्क नहीं है, शुल्क संबंधी आप भूल जाना। और यदि किसी के मतलब पैसे ही खर्च करने हो तो वो तो भाई कहीं भी आप कर सकते हो। बाकी गुणवत्ता के मामले में बोले, चाहे आप किसी भी ऊंची से ऊंची प्रतिष्ठान से टकरा कर देख लेना, आपको कहीं भी ये 19 नजर आने वाली नहीं है, ठीक है, पूरे एफर्ट के साथ में दी गई है, पूरी मेहनत की गई है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही प्लेलिस्ट में जाते हो आप, प्लेलिस्ट में जाने के बाद में साथियों आपको इतनी सारी प्लेलिस्ट दिखती है, इतनी सारी प्लेलिस्ट में सर सेकंड ग्रेड की कौन सी क्लासेस है यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ स्कूल व्याख्याता जीके इतिहास लिखा है, ये क्लासेस भी अपनी चल रही है, लेकिन इस पे अब स्पीड थोड़ी कम करके अपन जीके जो सेकंड ग्रेड वाली है उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि वो वैकेंसी आ चुकी है। अब ये जो है इसके अंदर आपको मिलेगी इतिहास की क्लासेस, ये यहाँ पे आप देख रहे हो टेस्ट सीरीज संबंधी वीडियो है, यानी जो जो टेस्ट सीरीज अपनी लॉन्च हो चुकी है सभी लागत मूल्य के अंदर है, जिनको ज्वाइन करनी वो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हो चुकी है सारा सब कुछ अंदर बता रखा है, मात्र 51 रुपए में, और बिल्कुल रीट जैसे SST के भीम का है सिलेबस, को पूरा टॉपिक वाइज संपूर्ण प्रश्न अनलिमिटेड प्रश्न के साथ में मात्र 79 रुपए में दिया है। इससे बढ़िया आपको मिलने वाली जिंदगी में नहीं है। बाकी ये बात अलग है, कई विद्यार्थी कहते हैं कि इतनी सस्ती में दे रहे हैं, तो गुणवत्ता तो यूं है, आप देख कर फिर निर्णय लें, या जिसने ज्वाइन कर रखी है उसे पूछे तब पता चलेगा। ऐसे हवा में सोचने से कुछ होने वाला नहीं, काफी जिगर लगता है प्रयास करने के लिए साथियों, ठीक है। अब कई जने कहते हैं सर हमको वो क्लासेस नहीं दिख रही, कहाँ है, तो ये देख रहे हो आप, ये जो आपको निशान दिख रहा है ये यहाँ पे पूरे आप देखते नहीं हो सही ढंग से, ये निशान दिख रहा है, इस निशान को आपको दबाना है, इस निशान को दबाते ही आपको और प्लेलिस्ट मतलब सारी दिखने लग जाती, पूरी प्लेलिस्ट दिखती है फिर, ठीक है। अब किस प्लेलिस्ट में क्या है वो ऊपर ही लिखा है, ये टेस्ट सीरीज संबंधित है, ये देखो सेकंड ग्रेड निशुल्क जीके बैच इतिहास, हालांकि पूरी भी ये यहां देख रहे हो रीड सेकंड ग्रेड निशुल्क बैच फर्स्ट पेपर जीके 117 वीडियो अंदर, कितने हैं 117 में से 110 क्लासेस है इसके अंदर, 110 क्लासेस है, वो भी क्रम से है। और इसमें क्या है, इसमें विद्यार्थियों ने मांग की थी, जैसे भूगोल पूरी होकर अपने इतिहास शुरू किया था तो विद्यार्थियों ने मांग की थी कि सर इतिहास की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिए ताकि हम इतिहास की सीधी वहां से देखें, तो इतिहास की इसमें भी है, इसमें भी है, यहां देखोगे इस प्लेलिस्ट में तो पूरी एक नंबर से है। अब देखो चलिए इस प्लेलिस्ट को खोल के बताता हूं मैं आपको, इस प्लेलिस्ट को देखोगे कहीं कोई आपकी समस्या होने वाली नहीं, इसमें देखोगे नंबर एक क्लास सभी के थंबनेल पर लिखा है और टॉपिक भी लिखे हैं, अंदर क्या है कैसे है सब कुछ लिखा हुआ है, नंबर वाइज एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर जैसे आप चलोगे सारी आपको नंबर वाइज पूरी राजस्थान जीके जिसको भी पढ़ना है सभी यहां से देख सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है। बाकी जिन्हें पयाई भंगनी इच्छा है वे बिल्कुल शौक हो भांग सके, अपा किन्हें रोकन वाला हाँ कौन और किन्हीं पोस्ट कौन करा के मेरी ही क्लास देखनी है, क्योंकि इसमें तो मुझे मेहनत ही मेहनत करनी है, फायदा आपको ही होना है, ठीक है, मुझे नौकरी नहीं मिलनी है आपको नौकरी मिलनी है। तो देखो ये सारी क्लासेस जो है थंबनेल के हिसाब से आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी आपको 110 क्लासेस यानी कि जनगणना उद्योग वगैरह सब पूरी मतलब सिलेबस के आधार पर सेकंड ग्रेड के पूर्ण सिलेबस के आधार पर दी गई क्लासेस है। अब ये देखो इतिहास शुरू हो गया, इतिहास में ये देखो सारी हमीर अलाउद्दीन वगैरह ये सब मेवाड़ सल्तनत सारी की सारी सब कुछ इसके अंदर आ गई है, एक के बीच में टेस्ट सीरीज का आ गया। लेकिन आप देखो कि नंबर क्लास का कहीं नहीं चुकेगा, 55 56 57 58 59 आगे से आगे देखते जाना, आपको आगे से आगे नंबर वाइज क्लास मिलेगी, पूरी सीक्वेंस के साथ में डाली हुई क्लास है। नए विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं उनके लिए स्पेशली बता रहा हूं कि फर्स्ट पेपर यदि आप चाहते हो आपकी मुट्ठी में हो तो ये प्रयास आप लोगों के लिए ही किया गया है।
इसके अलावा अपनी वन लाइनर जो है वो चंद दिनों में, 2 से 4 दिनों के अंदर आपके हाथ में आने वाली है, और वह ऐसा ब्रह्मास्त्र है, वह ऐसा ट्रिकास्त्र है जो 300 स्टूडेंट फ्रेंडली ट्रिक्स के साथ बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सज धज के आपके समक्ष आने वाली है। एडवांस बुकिंग चल रही है, कई बुक सेलर भी यहाँ तक कि रोज के 10-15 कॉल आ रहे हैं, सर कब आ रही है हमारे यहाँ पे एडवांस बुकिंग चल रही है, क्या हम बुकिंग लें या समय लगेगा। उनको भी यही कह रखा है, भैया प्रिंट में गई हुई है, आने वाली है, न सिर्फ आप बल्कि पूरा राजस्थान ही इंतजार कर रहा है, राजस्थान के सभी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ही किया गया प्रयास है, चाहे कोई भी गाइड पढ़ी है, लेकिन ये एक ब्रह्मास्त्र आपके लिए बहुत सहयोगी होने वाला है, जो आप खुद, मैं क्या बताऊं, आप खुद की प्रतिक्रिया जैसे ही हाथ में आएगी ना, आने लग जाएगी, सब जानते हैं। ठीक है, तो ये है साथियों। अब इसके अलावा भी यदि आप समझो कि नहीं हमें तो कहीं से कोर्स ही लेना है, बिल्कुल आपका स्वागत है, आप ले सकते हो, लेकिन मैं इस बैच का न तो कोई शुल्क ले रहा हूं और न भविष्य में कोई यूट्यूब पर अपनी जो भी क्लासेस है उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी मात्र लागत मूल्य में इसलिए दिया साथियों, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को कॉपी पेस्ट के सिद्धांत पर हमने नहीं चलाया है, हमने इसको बिल्कुल पूर्णतः समर्पित टीम के साथ, जो सारे लगभग पोस्टेड है उनके साथ में उसको बनवाया है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, और मैक्सिमम प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए बनवाया, ताकि हर प्रश्न पर अभ्यास हो, और इसलिए उनका खर्च और जो टेक्निकल खर्च होता है उसको निकालने के लिए लागत मूल्य ली है। बाकी ये तक मैंने कहा था कि यदि ये नहीं लगती तो मैं आपके लिए ये भी नहीं लेता, और इसीलिए धमकियां मिलती है, क्लासेस बंद कर दो, टेस्ट सीरीज बंद कर दो, क्या कर लोगे इसको चलाकर, अरे क्या करेंगे, वो तो राजस्थान देखेगा जब हर घर में चिराग जलेगा। लोगों को जरूरी थोड़ी है कि सभी फीस लेते हैं बैच की, मैं भी ले लूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, मैं भी उन लोगों के जैसा समान हो जाऊंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी लूंगा तो ना कोई ज्यादा नेगेटिव होने वाला है ना ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो है हजारों लाखों विद्यार्थी दिल से दुआ देते, उनके घर में रोशनी के चिराग जलेंगे और वे भी ऐसा प्रयास आगे करेंगे, ये सोचकर यहाँ प्रयास किया। सभी की देखो सोच अलग अलग होती है, अब इसको कई लोग नेगेटिव वे में तोड़ मरोड़ कर देख सकते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि गौरव सिंह गाना राव एक खुली किताब है, चाहो तो अध्यतन पढ़ो, चाहो तो आप समेट कर साइड में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया साथियों तैयारी करने का एक आपको व्यवस्थित तरीका, ये नोट्स मेकिंग पैटर्न पर है सारी क्लासेस, आप बिल्कुल देखकर व्यवस्थित नोट्स बना लोगे, और आधे आधे घंटे की क्लास है, और लेकिन नोट्स बनाने जाओगे तो 1.25 घंटा लगेगा, क्योंकि अंदर कंटेंट बहुत दिया है। ठीक है, तो ये है, मैं जो कह रहा हूं वो सिर्फ मेरी बात सुनकर मानना मत, क्लासेस 1, 2, 3, 4 चला कर देखना, एक आधी क्लास में क्या पता मैंने एफर्ट दे दिया हो और दूसरे में घास काट दी हो तो भी क्या मतलब, तो 1, 2, 3, 4 लगभग क्लास चला कर देखोगे, उसके बाद तो आपकी इच्छा रुकेगी नहीं, अब तो आगे से आगे चलती रहेगी, तैयारी बेहद शानदार हो जाएगी। यदि विश्वास किया है, जिन विद्यार्थियों में लाखों विद्यार्थी फायदा उठा रहे हैं, तो जिन्होंने विश्वास किया है उनको पता है कि कितना एफर्ट अपन ने दिया है, और जब एफर्ट दिया है तो कहने में कोई गुरेज नहीं, कई जना कह गुरु जी थे कहो गुरु, अरे कहो नहीं तो पता कैसे चलेगा विद्यार्थियों को कि हाँ यहाँ पे ये भी प्रयास किया जा रहा है। जब लोग पैसे लेकर भी प्रचार करते थे अपन तो बिल्कुल निःशुल्क चला रहे हैं, क्यों ना करें, यदि किसी को आपत्ति हो तो आंख कान नाक बंद कर लो, कहीं कोई समस्या है नहीं, जिनको फायदा हो रहा है उनको हो रहा है। ठीक है साथियों, तो ये चीज है और ये बता दिया आपको, बाकी आपकी और जो शंकाएं हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।